नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। अभी हाल ही में इन्होंने अपने बलबूते पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता था, परंतु जैसे ही लोकसभा चुनाव आए इन्होंने अपनी नेता सोनिया गांधी की तरह अपने पुत्र का सहारा लिया है। क्या ये चुनाव शीला एक बार फिर अपनी छवि के सहारे जीतेंगी या अपने पुत्र के सहारे? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं मुख्यमंत्री से ही सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप बड़ी खुशी नजर आ रही है आपको मिलकर। मेरे को मिलकर जी, इसलिए कि आपके पुत्र को भी टिकट मिल गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो टिकट तो मिल गया, पर अब सबसे बड़ी चुनौती तो अब है कि किसी न किसी तरह से उसको जीतना है, जीतना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि जो आपकी पार्टी में जो लग रहा है कि हर नेता अपने पुत्र को आगे के लिए तैयार कर रहा है? नहीं, ये हमारी पार्टी में नहीं, सब जगह ही ऐसा हो रहा। वसुंधरा राजे ने अपने पुत्र को आगे किया है और प्रधानमंत्री के भी कुछ रिलेटिव्स आए हैं, ऐसी बात नहीं है। जसवंत सिंह जी ने किया है। एक ये नई पीढ़ी नकल कर रहे हैं या आपसे लेसन ले रहे हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कौन किसकी नकल कर रहा है, लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन में काम आ जाए, ये तैयार। ये लगता नहीं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो कांग्रेस पार्टी में है, हाँ, वो पहले चला रहा था नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव, उसके पहले संजय गांधी, फिर उसके बाद सोनिया जी, फिर उसके बाद राहुल जी, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी में लगता है वंशवाद ज्यादा है बाकी आप देखा बाकी ठीक का, तो इससे लक्ष्य में लगता है हर नेता जो है उसका पुत्र चुनाव लड़ रहा है, चाहे जितेंद्र प्रसाद जी का लड़का हो, चाहे राजेश पायलट का हो, चाहे शीला जी का हो, चाहे मुरलीधर। प्रभु जी, ये वंशवाद जो आप कहते हैं ना, ये वंशवाद एक तो देश को स्वीकार है, क्योंकि बार बार देश नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, सोनिया जी को सबको चुनता आया है। तो वंशवाद तो वहाँ कहे जहाँ ऊपर से टपकाए जाएं या राज्यसभा में आ जाएं, कोई चुनौती जनता चुन के आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं और ये अधिकार है, और अगर जो जनता चुनती है तो फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव कितने के लिए मुहावरा, मैं उसको बदल रहा हूँ। नेता वादे रेवड़ी फिर अपने को दे। हाँ, ये मुहावरा जरूर है, लेकिन मुख्य चीज डेमोक्रेसी में मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो वंशवाद की बात की जाती है, अगर जो वो वंशवाद स्वीकार न होता इस देश को, तो फिर इलेक्शन में वो जीत के ना आते। टिकट देने की अथॉरिटी तो आप लोगों के पास है ना, अपने को जब मैं कह रहा हूँ बांट रहे हैं कि आपको अपने घर से बाहर भी नजर नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं, चाहे जसवंत सिंह जी हो, चाहे आप हो, ऐसी बात नहीं होती है प्रभु जी, कि ये क्योंकि एक माहौल ऐसा होता है जहाँ वो लड़के या लड़कियां जब आते हैं, अगर जो वो जीत के नहीं आते तो मैं मान सकती हूँ कि वो रेवड़ी अपने आप ही खाते चले जाने, वो किसी और को देते भी नहीं और असफलता से खा रहे हैं। लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो मैं समझती हूँ कि ये एक नई पीढ़ी का आना, नई पीढ़ी का आगे आना, और जनता के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट तो डेमोक्रेसी में जनता है। आप इसको बुरा नहीं मानते कि खुद अपने को? नहीं, मैं उसको ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी फर्म दूसरे बेटे को दे देते तो ये पॉलिटिक्स भी एक किस्म से कंपनी बन गई है। नहीं नहीं, कंपनीज नहीं है, मैं इसको ना बुरा मानती हूँ ना अच्छा मानती हूँ। इसकी जैसे मैंने कहा कसौटी जनता है, अगर जो जनता स्वीकारेगी तो वो अच्छा लगता है, सबको तो लगता है। कंपनी के लिए भी मार्केट होती है ना। हाँ। मार्केट में लड़का सक्सेसफुल हो गया, ये मार्केट नहीं है, ये भी मार्केट है, आप वोट मांगने जाएंगे? वो तो एक प्रोडक्ट लिमिटेड होता है कि लक्स का एक प्रोडक्ट है, उसकी उसका जो चाहने वाले हैं वो कैडबरी चॉकलेट वाले नहीं है। गांधी की जो प्रोडक्ट है, शीला दीक्षित भी प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है। अब आप लोग ये आपकी भाषा में ये हो सकता है, हम अपने आप को ब्रांड नहीं समझते हैं, पर ये सच है कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया बेटे के लिए, सज्जन कुमार जी को टिकट इसलिए मिला? नहीं नहीं, अगर आप ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, सज्जन कुमार जी को टिकट ऐसे यूँ नहीं मिला कि मैंने कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज किया। आप अगर जो हमारी लिस्ट देखेंगे तो अच्छी लिस्ट है, अगर जो यंग भी है, नहीं नहीं आप देखिए ना, यंग भी है, नहीं पहले चुनाव में क्यों? कौन जब आप पिछली बार चुनाव लड़ी थी, आप जीती मुख्यमंत्री, उसके बाद पार्लियामेंट में चुनाव हुआ था, बड़ा विरोध किया सज्जन कुमार जी को टिकट? नहीं, मैंने उस वक्त विरोध नहीं किया। आपके बेटे फील्ड में थे टिकट के लिए, तो आपका विरोध थोड़ा कम? देखिए, ये जो है ना, ये पूरा सोच समझ के सबने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लोगों से बातचीत करके ये कदम उठाया गया है।
अब ये कदम सही था या गलत था ये तो भविष्य 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? नहीं नहीं, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज पार्टी के लिए नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ जो चीज़ ठीक है वो मैं कह देती हूँ, लेकिन जो मेरी समझ होती है वो हमेशा ये नहीं होती कि वही सही समझ है, मेरी समझ भी गलत होती है। तो जो आपसे पहले बात कर रहा था कि जैसे दूसरे दर्जे के नेता, जैसे बाकी पार्टी के अंदर अगर आप बीजेपी के अंदर देखें या किसी और पार्टी के अंदर देखें, सीएम के लिए रिश्तेदार होते नहीं, वहाँ कोई दिखाई नहीं जाता, लेफ्ट में कहीं नहीं। तो आपके यहाँ दूसरे दर्जे के नेता जो हैं, आप तीसरे तो राहुल गांधी जी आगे पांचवी पीढ़ी आगे, आपके यहाँ केवल उसी परिवार में से हैं जो रूलिंग पार्टी में, चाहे कहीं चाहे मुख्यमंत्री पूर्व हों, चाहे राजस्थान के कोई गवर्नर हो या किसी और के हों, बाकी पार्टी तो आपके यहाँ अपनी पीढ़ी जो है वही दूसरे दर्जे की नेता है, तीसरे दर्जे की नेता है। प्रभु जी मैं बार बार इसको यही कहूंगी कि मार्केट नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ वेरी सीरियस मैटर, इट इज मच मोर देन अ डेमोक्रेसी देन अ मार्केट, जस्ट अ मार्केट, इट्स पॉलिटिक्स, इट्स नेशन, नेशन का फ्यूचर है इसमें। तो इसमें यह हो 10 तारीख के बाद हो सकता है कुछ फैसले हमने गलत लिए होंगे, कुछ फैसले सही लिए होंगे। जनता को जो कैंडिडेट अच्छा लगता है फिर वो ये नहीं देखता है कि किसी वंश का है या नहीं है, शिक्षित है नहीं है, और वो पढ़ाई है, इस जमाने के आकांक्षाओं को उसमें उसकी तस्वीर झलकती है नहीं, वो जनता फैसला करेगी। तो पार्टी ठीक समझती है, मैं मुख्यमंत्री हूँ इसलिए दिल्ली की मुख्य जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और दिल्ली को नेचुरली मैं देखूंगी ज्यादा डिटेल से। बाकी पार्टी प्रेसिडेंट तो रेलेवेंट है नहीं आपने, क्यों कैसी बात आप कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं आता। नहीं वो अपने तरीके से करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम सब मिलजुल के काम करते हैं। और देश में भी जा रही हूँ, अब रायपुर जा रही हूँ, उसके बाद बम्बई जा रही हूँ, उसके बाद पुणे जा रही हूँ, जहाँ जो लोग बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि मेरी काफी डिमांड है, सब लीडर्स की डिमांड है, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो दिल्ली में आप क्या इशू करने वाले हैं चुनाव में? देखिए दिल्ली में हम लोगों से दो बातें मुख्यतः कहना चाहते हैं कि एक तो बीजेपी का जो मुखौटा है वो सच का एक है और करने वाला दूसरा, झूठ का एक है जो वायदे का है और करने वाला दूसरा है, खाने के और दिखाने के। जी हाँ बिल्कुल यही है कि स्टेटहुड में उन्होंने क्या किया, अनऑथराइज कॉलोनीज ने क्या किया। दूसरा जो हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार जो है, आप काफी 40 साल में रहे, आपका भी कुछ नहीं। देखिए दिल्ली इवॉल्विंग सिटी है प्रभु जी, जब वो इवॉल्व करता जाता है उसकी जो उसकी प्रशासन की प्रणाली है उसको भी बदलना पड़ता है। जो 1950 दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में अगर आपकी सरकार हाँ नहीं, वो भी कहेंगे पुलिस हमारे पास रहनी चाहिए, कि आपको दूसरी पुलिस से डर लगता होगा कहीं? नहीं नहीं, हम जैसे इनको लगता है कि पुलिस हमारे पास रहनी चाहिए, जमीन राष्ट्रपति भवन पे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी पुलिस, मैं कहती हूँ पुलिस को आप डिवाइड कर दीजिए, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है या जो रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करना है उसके लिए एक पुलिस होनी चाहिए, और जो सिक्योरिटी के लिए है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट उस सिक्योरिटी को नहीं कर सकती, दिल्ली भी नहीं कर सकती, ये स्पष्टता है बात। और दूसरी बात जो है कि हम ये भी चाहते हैं देखिए स्टेटहुड यू कैन नॉट हैव जैसे राजस्थान या हरियाणा है, उस तरह का स्टेटहुड हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी पार्टी नहीं करेगा, ये अकल की बात भी नहीं होगी। लगता है कि जो स्टेटहुड क्यों नहीं होगा और क्या इश्यू आप करने वाली हैं, उसके आपकी क्या परेशानियां हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा छोटे से। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आज हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से। जी आप बता रहे थे कि स्टेट के मामले में परेशानी है, जो स्टेट फुल जो बाकी स्टेट में वो नहीं हो सकता, परंतु आप जो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे थे कि क्या चुनाव। दूसरा मुद्दा जो हम लेना चाहते हैं कि अगर जो कांग्रेस की सरकार जो यहाँ है या जो स्थानीय सरकार है उसके MPs आएंगे तो हमारी बात पार्लियामेंट में अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपकी सरकार नहीं आएगी पर MP आ जाएंगे, नहीं क्यों नहीं आएंगे, तो हमारे MP आएंगे। मैं तो इस वक्त दिल्ली की बात कर रही हूँ प्रभु जी, ये मत करिएगा, मैं इस वक्त आपने दिल्ली के बारे में पूछा तो मैंने दिल्ली की बात कही है, और वैसे तो सारे देश भर में जो चुनाव होगा वो आप दिल्ली का चुनाव जो लड़ रही है, दिल्ली में जो आपने परफॉर्मेंस की है उसमें से कुछ 3-4 दोबारा से क्विकली गिना दीजिए कि आपने क्या अच्छा काम किया जिसके बेसिस पे आप मेट्रो लिया है, पर्यावरण ठीक कर दिया, ट्रांसपोर्ट को बदला है, फ्लाईओवर्स बनाए हैं और सर्विसेज को अच्छा किया है, पर्यावरण, इसलिए लोगों ने आपको दोबारा से चुना। दोबारा तो चुना ही, वो तो एक हकीकत हो गई है, वो तो इतिहास है। वो मुद्दे हमारे लिए कोई बर्डन नहीं बनेंगे, एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति नहीं होगी,
और बाकी है नेशनल चुनाव है, इसमें नेशनल मुद्दे भी आएंगे। दिल्ली के निवासी को ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली को ही देखे। शीला दीक्षित की सरकार जो है वो मॉडल गवर्नेंस है ना, तभी तो लोगों ने वोट दिया होगा। दिया होगा क्या मतलब, दे दिया दे दिया ना, तब मॉडल अच्छी सरकार मान के चले तभी वोट दिया। हाँ मैं यही सोचती हूँ, लेकिन हाँ तो ये क्या कारण है कि आपके नेता शीला का राज सारे देश में राज, वो नाला क्यों नहीं लगाते? क्यों, दिल्ली है छोटी सी दिल्ली है, मतलब दिल्ली छोटी, 1,40,00,000 लोग हैं सिर्फ यहाँ पे देश में, कितने देश में लागू नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मॉडल होना चाहिए लेट में। तो सोनिया जी को और बाकियों को शीला की राज की जो प्रणाली है उसको हम सारे देश में लागू करेंगे, हमारी अच्छी मुख्यमंत्री है, ये कहने में शर्म क्या आती होंगी? नहीं तो वो तो कहा है हमारे मैनिफेस्टो में कि गुड गवर्नेंस विद पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये सब कहा हुआ है। लेकिन केवल एक दिल्ली को नहीं, इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट वर्क। उन्होंने ये नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए कि दिल्ली को हम नेता कहते हैं, हमारे देखिए नेता हैं, उन्हें अच्छी सरकार पाई। अरे बीजेपी क्या कहेंगे, गुजरात में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है बताइए। वो तो कहेंगे कि हम बीजेपी के आपके साथ ही लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, गुजरात में कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जनता ही कर देगी अभी थोड़े दिनों में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी एक स्टेट को लेकर नहीं, तो हमारे तो 10 स्टेट हैं, या तो सब 10 स्टेट का लीजिए। असेंबली के चुनाव हुए थे दिल्ली में, तब सारे देश में नारा लगा, हमारे पास 15 प्रदेश हैं, अच्छी सरकार ने चला रहे हैं, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जी हां जी हां जी, और सारे पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई प्रदेशों का जिक्र भी नहीं करते कि 10 सरकारें तो आपके पास अभी नहीं है। क्योंकि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है प्रभु जी, और जो स्थानीय लोग हैं, जो जिस प्रांत में या प्रदेश में रह रहे हैं, उनके लिए गवर्नेंस इशू नहीं है सर, इस इशू बिल्कुल गवर्नेंस है। हम तो कह ही रहे डेवलपमेंट, गवर्नेंस, पीस, हार्मनी नहीं है कि प्रोजेक्ट करनी चाहिए उसको सारे देश में। नहीं नहीं, वो तो हो ही गई है, हो रही है। हमने तो अपना जो हमारी तो जनता ने अपनी राय दे दी है। अब जो ऑल इंडिया जो हमारा चुनाव है उसमें केवल एक दिल्ली थोड़ा ही लिया जाएगा, वो तो सारा देश लिया जा रहा है। और किस तरह से सरकार एक सरकार भी अच्छी है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल अच्छी है, अमरिंदर की तो उससे भी अच्छी है। हाँ तो ये सब प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं नहीं, बिकॉज स्टेट पार्लियामेंट के चुनाव में स्टेट की सरकारों को नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा। क्या बीजेपी अपनी स्टेट की सरकारों को प्रोजेक्ट किया? खैर उनके पास स्टेट भी नहीं है, और जो है भी आपके वो पास अभी ज्यादा है, पर उनके पास पॉपुलेशन कम है, उनके पास जो काफी ज्यादा है। अब ये तो आप ऐसे आप वो कह रहे हैं ना, डेमोक्रेसी की बाल की खाल उतार रहे हैं। डोंट मिक्स अप इश्यूज, इस वक्त नेशनल इश्यूज आएंगे, एंड उसमें एक भाग स्टेट गवर्नमेंट यदि उसी पार्टी की हो तो उसका भी एक रोल होता है, उसको भी लोग नजर में रखते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज यही होता है कि इट्स नेशनल इश्यूज। तो आपको लगता है कि स्टेट की परफॉर्मेंस को इश्यू भी नहीं बनाया और नेता का नाम अब लेते नहीं? अटल जी के खिलाफ कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो भी आपके पास नहीं है, आप पार्लियामेंट चुनेंगी? देखिए बड़ी स्पष्टता से कह दिया, हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सुनिए तो ना, सोनिया गांधी ने बड़ी स्पष्टता से कह दिया है कि यदि कोई कोएलिशन का मौका मिलता है कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, तो सब बैठ के तय करेंगे कि कौन नेता होगा। पर इन्होंने एनडीए वालों ने तो ये नहीं किया कि हमने तो अटल जी को बनाना है प्रधानमंत्री। अब एनडीए की नकल हमें जरूरी करनी है? नकल तो आपने किया, अलायंस पार्टनर ले, पहले आपने मना करते थे इन लोगों से अलायंस करने से, आप कर रहे हैं आप। नकल नहीं है, ये परिस्थिति होती है, नकल की बात नहीं है। वो हमारी नकल कर देना, वो हमारी नकल कर दे कि कम्युनल फोर्सेस को हम नहीं वो भरने देंगे। आपकी नकल कर रहे हैं, आपके नारा ही चोरी कर लिया उन्होंने तो डेवलपमेंट का। वो कुछ चीजें शायद आपके कुछ नेता भी चोरी कर लिया उन्होंने, कुछ अकल की बातें कभी कभी हो जाती है। चोरी कर लिए उन्हें कहीं ना कहीं जाकर के, कहां उनको नेताओं की जरूरत पड़ी कि वीरेंद्र शुक्ला है, कि जगन्नाथ मिश्रा है, पुराने कांग्रेस के लोग जो है काफी लोग छोड़ के। तो यानी चोरों की पार्टी है बीजेपी? नहीं नहीं, मैंने कहा आपके नारा, आप कह रहे हैं ना चोरी कर दिए, आपने कहा नारा उठा लिया, अब आप पॉलिटिकल लैंग्वेज कह रहे हैं, तो चोरों की पार्टी है क्या? सबके चोरी कर कर वो पार्टी बनती है और अपने उसके अस्तित्व नहीं है? चोरी कर रही है अलायंस करने की? क्या बीजेपी का अपना अस्तित्व नहीं है कि उसको डाके और चोरियां करनी पड़ती है? उन्होंने अलायंस आकर के पार्टी आए, तो आपको लगा कि जैसे वो अलायंस के पावर में आ सकते हैं, हम भी डीएमके के साथ, जिसने हमारे नहीं ऐसी बात नहीं है, परिस्थिति है, ये किसी से नहीं है। ये अगर जो रियलिटी, अगर जो कोई स्पष्ट बहुमत लेकर आती है तो अलायंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर जो अलायंस की जरूरत पड़ेगी
तब सोनिया गांधी ने कहा है और हम सब ये कहते हैं कि तब वो अलायंस जो भी बनेगा वो तय करेगा। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी अगर आपकी है तो आप उसके ऊपर प्रधानमंत्री का दावा नहीं करेंगे। हमारी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं और वो तय करेंगी। नहीं, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी प्रधानमंत्री, मैं कह रही हूँ उस वक्त लार्जेस्ट सिंगल पार्टी में भी नेता श्रीमती सोनिया गांधी होंगी और वही तय करेंगी कि क्या होगा। नहीं, वो क्या तय करेंगे, अलायंस का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा जी? वो बातचीत करके तय करेंगी ना, वो स्वयं तो नहीं, उनके पास होगी, चाहे वो बने जाए किसी और को, वो उन पर छोड़ दिया जाएगा जैसे छोड़ा जाता है कि आप फैसला करिए, आप निर्णय करिए, क्योंकि वो हमारी लिए, शी विल रिप्रेजेंट अस। अभी आप कह रही हैं कि पार्लियामेंट पार्टी मिलेगी, चुनाव करेगी, इसके बाद आपने कहा सोनिया गांधी हमारी नेता, मैंने कहा पार्लियामेंट की पार्टी हमारी नेता, हमारी पार्लियामेंट्री संसदीय पार्टी, कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी चुनी जाएंगी। जार भी जो कोई मेंबर होते हैं ना किसी पार्टी के, वो भी अपना एक नेता चुनते हैं, तो हमारी तो बहुत बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री नेता सोनिया गांधी आपने घोषित कर दिया, बाकी हमारी नेता वो है, बाकी कांग्रेस पार्टी की नेता वो है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा वो है, कांग्रेस संसदीय दल भी वो नेता रहेंगी, उसके बाद वो तय करेंगी, वो फैसला करेंगी कि क्या होना। परिस्थिति तो पहले आने दीजिए, क्या पता आपको कि हमारी पार्टी फुल मेजोरिटी में बहुमत लेकर आ जाए, 350 सीटें लड़ रही है, उसमें से आपको 270 आने की उम्मीद है, लगता है 350 हमारे सहयोगी दल है ना, हो सकता है आप कह रहे मेरी पार्टी नहीं, हम तो करेंगे 350 में जहाँ पर भी हम लड़ रहे हैं वो सब में हम अच्छी संघर्ष कर रहे हैं और हम तो उम्मीद हर लड़ाई में यही जाते हैं कि हम जीत कर आएंगे। पांच चुनाव हुए हैं उसमें 278 सीटें ऐसी जिसमें कांग्रेस का कैंडिडेट एक बार नहीं जीता, हो सकता है। देखिए डेमोक्रेसी में अब ब्रिटेन के देख लीजिएगा, 17-17 साल पार्टी एक दल बाहर रहता है फिर आ जाता है, कोई ऐसा थोड़ी है। जमहूरियत आपने जैसे डीएमके के साथ, लालू के साथ चल रहा है, जी जी, और टीआरएस के साथ कर लिया, तेलंगाना रीजन के आप खिलाफ हैं, जी जी हाँ, खिलाफ है ना तेलंगाना के? नहीं, मैं खिलाफ नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी अलायंस ने किया है, तेलंगाना अलग से अलायंस, जो हमने अलायंसेस किए हैं वो सूझबूझ के साथ किए हैं, परिस्थिति को देखते हुए किए हैं, हमने अलायंसेस किए हैं। अगर जो बीजेपी अलायंसेस कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? तो मतलब वही कह रहा हूँ ना, बीजेपी अगर अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस करती है तो आपको उनकी नकल करनी है क्या? अपॉर्चुनिस्टिक बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। आपने ही कहा जो बीजेपी कर सकती है तो हम नहीं कर सकते, तो उनके अलायंस सरकार गिरा दी उन्होंने, जेल में उसके साथ जाके, ये तो चावला जी आपकी टिप्पणी हो सकती है, मेरी नहीं। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अन्ना डीएमके, ऐसे आप एग्जांपल्स देते हैं, आपने सरकार, आप एक सटाक्षिक चीज बोल देते हैं जैसे यही एक बम वाक्य हो गया, ऐसा नहीं होता। आप सवाल का जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, सवाल का जवाब मांग रहा हूँ आपसे, हर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता जी। नहीं देखिए प्रभु जी, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस आर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्रोमाइज इज एन आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट नेसेसरली, समटाइम्स यस, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता है, इज अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन। तो आप अगर आपसे पूछेंगे जितने अलायंसेस कराए हैं आपने, इसके पीछे उद्देश्य एक सेंटेंस में अगर बताएं तो क्या है? बीजेपी ने जो अलायंसेस किए, मैंने कहा अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस, सिद्धांत नहीं है उसके अंदर, जिन्होंने सरकार उनकी गिराई उनके साथ किया, तो आपका उद्देश्य क्या है इन सब अलायंसेस जिनको आपने पहले धिक्कारा, सरकार से निकाला, उनके साथ जाने के, इस सारे अलायंसेस के पीछे लालू और सोनिया जी में क्या कॉमनैलिटी है, डीएमके में सोनिया जी में क्या कॉमनैलिटी है, किस लिए अलायंसेस? पर्सनैलिटीज की कॉमनैलिटी नहीं होती है, आइडियोलॉजी आपकी एक है। अगर जो एक लक्ष्य हो, और ये इन सबका लक्ष्य है कि बीजेपी कम्युनल फोर्सेस को हमें डिफीट करना, तो एक बार आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि बीजेपी या कम्युनल फोर्सेस को डिफीट, इसलिए आपने सारे अलायंसेस किए हैं, ये इसका टू डिफीट द कम्युनल फोर्सेस। आपकी स्ट्रेटजी काम आएगी या नहीं आएगी चुनावी बताएगा, आपने कहा तब तक हम करेंगे इंतजार, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।